अरे बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज, अ कन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर कैप्ड अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस डी बिटवीन देम. इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम, देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर विल. यानी हमें क्वेश्चन में बोला है एक कन्वेक्स लेंस ए है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एक कन्वेक्स लेंस बी है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. वो हमारे सेम एक्सिस पे रखा है और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है हमारा बी डी सॉरी. इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारा फॉल कर रहा है ए पे और लीप कर रहा है बी पे ऐसे सेम पैरेलल बीम, तो जो हमारा डिस्टेंस डी होगा वो हमारा क्या होगा. जैसे ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया और ये क्या हो गया हमारा कनकेव लेंस. वो दोनों हमारे सेम एक्सिस पे रखे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा डी. पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करेगा हमारा कन्वेक्स लेंस पे, तो जो हमारा डिस्टेंस डी होगा वो हमारा क्या होगा जब ये पैरेलल बीम सेम ऐसे ही वापस जाएगा. राइट, सो ये जो डिस्टेंस डी हो गया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ वन माइनस एफ टू. इसका फोकल लेंथ एफ वन, इसका है माइनस एफ टू. तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमारा वन अपॉन एफ वन हो जाएगा क्या, वन अपॉन एफ वन प्लस जो हमारा वन अपॉन एफ है वो इक्वल होगा वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी बाय एफ वन एफ टू. राइट, तो फॉर द इमरजेंट बीम पैरेलल होने के लिए जो हमारी पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, जीरो. लिख लेते हैं हम यहाँ पे फॉर द इमरजेंट बीम टू पैरेलल जो हमारी पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो. और जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट. राइट, तो ये हो जाएगा वन अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन बाय एफ वन इज वन बाय ट्वेंटी माइनस वन बाय फाइव माइनस डी बाय माइनस ट्वेंटी इंटू फाइव. तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी माइनस वन बाय फाइव प्लस डी बाय हंड्रेड. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डी आएगा वो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, इनमें से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.